नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू ब्लॉग्स पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों रामेश्वरम के धनुषकोटी के बारे में, जिसे कि लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये दोस्तों धनुषकोटी जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड में स्थित है, रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए दोस्तों 1964 से पहले ट्रेन भी जाता था, लेकिन फिलहाल वहाँ पे बस एक ही रोड है, वो भी बाई रोड ही आप जा सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों जब बाई रोड आप जाएंगे तो एक तरफ इंडियन ओशियन आपको मिलेगा, दूसरे तरफ बे ऑफ बंगाल की वाटर मिलेगा। तो दोनों ही पानी का कलर अलग है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य लगता है दोस्तों। रास्ते में जब आप जाएंगे तो साइड में आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन भी है, जो कि 1964 के पहले था। यहाँ पर पूरी तरह से शहर बसा हुआ था, जो कि रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, चर्च, पोस्ट ऑफिस सब कुछ था, उसका खंडहर आपको मिल जाएगा। लेकिन 1964 में बुरी तरह से एक साइक्लोन आया था, जिसमें लगभग 1800 से ज़्यादा लोग मरे थे और पूरी एक ट्रेन ही समुद्र में समा गई थी। तो उसका जितना भी खंडहर है दोस्तों अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जब भी आप जाएंगे तो दिन में ही घूम सकते हैं, रात्रि में यहाँ पे अलाउड नहीं है रुकना, तो रात में आप यहाँ नहीं रुक सकते। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, यही से आपको यू टर्न लेना है, मतलब यही आपका लास्ट लैंड है इंडिया का। इसे धनुषकोटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि राम जी ने जब जीत लिया था श्रीलंका में, तो उसके बाद विभीषण ने कहा था कि अब इस पुल को तोड़ दिया जाए, राम सेतु पुल को। तो उसके बाद श्री राम जी ने बाण चलाया था, जिसे धनुषकोटी, इसीलिए धनुषकोटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर है श्रीलंका, तो ये नेचुरल और धार्मिक दृष्टि दोनों से महत्वपूर्ण है दोस्तों। टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में हमेशा जुटते हैं, जो कि गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा यहाँ गर्मी होता है, तो इसलिए गर्मी में आना ज़्यादा सही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अभी फ़िलहाल ट्रेन यहाँ तक नहीं आती है, पंबन ब्रिज होते हुए बस रामेश्वरम जंक्शन तक जाती है। लेकिन साउदर्न रेलवे का ऐसा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है कि भविष्य में फिर से इसको रिवाइव करके और यहाँ तक ट्रेन लाया जाए। पंबन ब्रिज दोस्तों आपको पुराना वाला भी है, नया वाला बनकर भी तैयार है लगभग, तो 2023 में लास्ट तक उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत कुछ घूमा है और रामेश्वरम का लगभग हमने सब कुछ दर्शन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये टोटल दोस्तों 50 आर्ट्स में लगभग फैला हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका एकदम नज़दीक होने की वजह से ये एक नेचुरल दृष्टि से भी महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पर गवर्नमेंट का प्लान है कि यहाँ पर सेना की स्थापना किया जाए, सेना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रखा जाए, जो कि चाइना और श्रीलंका को थोड़ा देखभाल करने के लिए। तो उस वजह से भी दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट आते हैं, जो कि रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम का सब कुछ देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। तो ये दोस्तों आप भी आएँ और घूमें, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि जब गंगा स्नान करके यहाँ स्नान करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सभी वीडियो को देखें दोस्तों, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।